राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुक्रवार को एक कमेटी का गठन किया है, साथ ही राजस्थान सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। दरअसल राजस्थान में एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है जो गरीब परिवार की लड़कियों के माँ बाप को अपने शिकंजे में लेकर पहले तो उन्हें कर्जदार बनाते हैं और उसके बाद कर्ज नहीं चुका पाने की सूरत में उनकी बेटियों की बाकायदा स्टाम्प पेपर पर लिखकर नीलामी करवाते हैं। बता दें कि अपने जाल में फंसी लड़कियों को ये दलाल देह व्यापार में बेच देते हैं या फिर किसी अधेड़ से उसकी शादी करवा देते हैं। बकायदा इस पूरी प्रक्रिया के लिए कर्ज देने वाला अपनी वसूली के लिए गांव में जातीय पंचायत भी बैठाता है। परिवारों से फिर वही एजेंट संपर्क करके इनकी जो लड़कियां बच्चियां होती हैं उनका वेश्यावृत्ति के लिए सौदा किया जाता है, उसके लिए इनके स्टाम्प पर लिखाई पटाई कराई जाती हैं, उन बच्चियों को फिर इन एजेंटों द्वारा देश विदेश में भेजा जाता है और भेज कर उनसे जो राशि प्राप्त होती है जो इन गरीब परिवारों को देते हैं, ये गरीब परिवार उस राशि से भी अपना कर्ज नहीं चुका पाते हैं। तो ऐसी प्रथा के लिए मैं उसका विरोध करता हूँ। वहीं इस मामले का खुलासा होने के बाद राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि मानवाधिकार आयोग को आकर जांच करनी चाहिए थी। ये जो सोशल मीडिया पे नेशनल ह्यूमन कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पे संज्ञान लिया, नोटिस जारी किया, नोटिस राजस्थान सरकार को जारी किया होगा, क्यों डीजीपी को जारी किया। राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करने से पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आगे बढ़कर अपनी जांच टीम भेजनी चाहिए थी, वहां पर सच्चाई सामने लाना चाहिए था। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है। कहीं पर यदि आप कह रहे हैं ऐसा हो रहा है और वो जांच होने से पहले ही आप ने नोटिस जारी कर दिए डीजीपी को, तो आप जांच करवाइए, अपनी टीम भेजिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाम चंद कटारिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, कहा कि राज्य के लिए ये शर्म की बात है। देखो राजस्थान की सरकार कह रहे हैं अब कार्रवाई कर रहे हैं, है ना, ह्यूमन राइट कमीशन आपको और मुझको नोटिस दे उसके बाद कार्रवाई करें, तो ये आपकी काबिलियत शो कर रही है। आपका प्रशासन और आपका तंत्र क्या सो रहा था कि उसको ये जानकारी पहले हो जानी चाहिए, उसको एक्शन पहले हो जाना चाहिए। ह्यूमन राइट कमीशन हमको इसकी जानकारी दे, इससे ज़्यादा राजस्थान के लिए शर्मनाक बात क्या हो सकती है। केवल सरकार बचाने में लगे हुए हो।